प्रवेश लेने हेतु पात्रता मानदंड, मतलब इलिजिबिलिटी, कौन कौन जेईटी का फॉर्म भर सकता है। आगे के पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जेईटी का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए। आइए जानते हैं, अभ्यर्थी जेट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह वांछित कोर्स में प्रवेश लेने के योग्य है, जैसा कि जेट पुस्तिका में विस्तृत है, मतलब दिया गया है बुलेटिन में। जेईटी के लिए आवेदन करना, परीक्षाओं में शामिल होना, कॉलेज का आवंटन और उसके लिए आप जो योग्यता है प्राप्त करने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। कहने का मतलब आप जेट का फॉर्म भर के और एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप योग्य हो। इसके लिए आपको ये देखना होगा, जैसे कोई ग्यारहवीं का बच्चा फॉर्म भर रहा है मान लो, तो आप ये कह दो कल को कि आपने, अगर मैं इलिजिबल नहीं था तो आपने मेरा फॉर्म क्यों भरा। आप ऐसे कह, आप नहीं कह सकते, हमारा काम है परीक्षा लेने का, आप पैसे जमा कराओ, परीक्षा दो। अब आप इस परीक्षा के अंदर इलिजिबल हो नहीं हो आप खुद चेक कर लेना। बस हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा केवल ये लोग है वही इलिजिबल है, फिर भी कोई आके फीस जमा करा के परीक्षा देना चाहे तो इन्हें कोई एतराज नहीं है। ग्यारहवीं का बच्चा फॉर्म भर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी इलिजिबिलिटी है कि वहां कॉलेज में जाए उससे पहले बारहवीं पास की मार्कशीट चाहिए और उसमें इतने परसेंटेज होने चाहिए तो ही कॉलेज एडमिशन देगा। आप वहां जाके ग्यारहवीं के साथ में पेपर करे करके ये नहीं कह सकते कि आपने जो है मेरा फॉर्म क्यों भरा, और अगर मैंने एग्जाम दिया करेक्ट कर दिया तो एडमिशन लो। ये बात यहाँ कही गई है, आई बात समझ में। कई बार पेरेंट्स और बच्चे जानकारी के अभाव में सामने वाले सिस्टम से उलझ जाते हैं कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, इसलिए ये भी समस्याएं आई हुई है। इसलिए इन्होंने हर जगह क्या लिख रखा है बेटा, समाधान लिख रखा है कि ऐसे केस में ऐसा होने वाला है। यदि किसी कारणवश किसी अयोग्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जाता है तो पता चलते ही उसका आवंटन अथवा प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने कहीं पर भी आपने सब काम कर लिया, कॉलेज में आपने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि आप फर्जी हो, आपकी जगह कोई दूसरा बच्चा परीक्षा में बैठा था और आप ऐसे कैंडिडेट हो, तो सेकंड ईयर में भी कॉलेज से बाहर निकाले जा सकते हो, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी निकाले जा सकते हो। कहीं पर भी ऐसा हो गया कि आप अयोग्य हो, आप वो आदमी हो ही नहीं क्योंकि आपकी ये एलिजिबिलिटी नहीं है या आपने ये गड़बड़ कर रखा है, तो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा आप कभी भी बाहर निकाले जा सकते हो, जेट में भी निकाले जा सकते हो। अब दो नंबर का पॉइंट था अपना कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यताएं चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो पहली है 2.1 शैक्षणिक योग्यता, मतलब जेईटी की परीक्षा देने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां देखो आप क्या होना चाहिए, आपके पास में बारहवीं क्लास जो है आप पास आउट होने चाहिए और बारहवीं में ही आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान में एग्रीकल्चर है अगर आपके ट्वेल्थ में, या बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। आई बात समझ में। आप देखो, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, ये टोटल 5 सब्जेक्ट है। इनमें से कोई 3 पेपर आपको लेने होंगे, या तो एजी बायो केमिस्ट्री ले लो, या पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, पीसीएमबी, पीसीए, ये कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई 3 लेके आपको पेपर देना होता है। या पीसीएमबी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बच्चा जिसके पास साइंस बायोलॉजी भी थी और एडिशनल मैथ थी, वो बच्चा भी जो है इलिजिबल है। आई बात समझ में। अब देखना, यहाँ विशेष तौर पे लिखा है कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एवं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु उनके बारहवीं क्लास के अंदर आपके केमिस्ट्री और गणित और भौतिकी, यानी केमिस्ट्री, पीसीएम, मैथमेटिक्स का बच्चा ही डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर सकता है। आ गई बात समझ में। अब कोई एग्रीकल्चर का बच्चा मुझे बोले कि सर मैं डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहता हूँ, जेट का फॉर्म भर दूं क्या? जेट का फॉर्म भर दो, लेकिन बीटेक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो, डेयरी, इसके क्या नाम, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, फॉरेस्ट्री से कर सकते हो आप, फिशरी से कर सकते हो आप, कम्युनिटी साइंस में कर सकते हो, फूड न्यूट्रिशन में कर सकते हो, लेकिन आप डेयरी और फूड से नहीं कर सकते हो यदि आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो। आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं, अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 5 विषयों, कृषि, कृषि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी में से कोई 3 सब्जेक्ट का आपको चूज करना है। आई बात समझ में। यदि डेयरी टेक, फूड टेक में जाना है तो रसायन विज्ञान, गणित, मतलब पीसीएम पेपर जो है करना अनिवार्य है, यही पेपर, यू हैव टू अटेम्प्ट पीसीएम। अब देखो यहाँ क्या बात लिखा है, जैसे किसी बच्चे के सब्जेक्ट है ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम मैथ है
और उसने जेट के अंदर मैथ की जगह एग्रीकल्चर लेके पेपर दे दिया, तो पीसीए से पेपर दिया, क्या वो डेयरी टेक फूड टेक में एडमिशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, मतलब 12वीं में मैथ होने के बावजूद भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ कंपलसरी है पेपर अटेम्प्ट करना भी किससे? पीसीएम से। आ गई बात समझ में? अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर मेरे 12वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी है पीसीबी, और अब मैं सर फिजिक्स मुझे टफ लगता है, तो मैं फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर लेके पेपर देना चाहता हूँ जेट का, तो क्या मैं दे सकता हूँ? और फिर एग्रीकल्चर कोर्स में क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप पीसीबी की जगह एबीसी ले सकते हो और पेपर दे सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि सर मैंने तो कभी एग्रीकल्चर पढ़ी ही नहीं, मैं तो पीसीबी से नीट की तैयारी कर रहा था और मैं अब एग्रीकल्चर का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो क्या मैं पीसीबी से ही दे सकता हूँ? बिल्कुल आप पीसीबी से दे सकते हो। आपको केवल 5 में से 3 पेपर लेने होते हैं और पीसीबी में आपके 3 पेपर काउंट हो गए। नेक्स्ट देखो, विशेष तौर पर लिखा है कला एवं वाणिज्य आर्ट एंड कॉमर्स के विद्यार्थी जो है 10+2 वाले यहाँ योग्य नहीं है। अब ये देखेंगे कि यदि किसी बच्चे को जेईटी का एग्जाम देना है तो उसके 12वीं में कितने परसेंट होने चाहिए। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसके 50% होना चाहिए, और अगर कोई रिजर्वेशन किसी बच्चे पे लग रहा है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा एमबीसी वर्ग है, उनमें 5% की छूट दी गई है। आगे बात समझ में? देखो, 5% अंक छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग की सीट पर ही प्रवेश मिलेगा, वह अनारक्षित वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि आप छूट ले रहे हो तो आप फिर जनरल की सीट पे नहीं जा पाओगे। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये भी पूछेगा कि सर मैं तो अभी 12वीं में पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल, जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो आपको ये मार्कशीट लेके वहां जाना होगा। आई बात समझ में? फॉर्म जो 12वीं में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं। अब है एज, तो एज ये है कि 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि ही मान्य होगी। ये इस बार एक नया पॉइंट आ गया बेटा, ये बड़ी बात लिख दी। इतने दिन जेईटी के लिए जो योग्यता थी वो थी आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन पहली बार जेईटी ने मिनिमम एज का जो है यहाँ क्राइटेरिया फंसा दिया है। कई बच्चों को इससे मुझे लगता है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को इनको 16 साल का बच्चा चाहिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या वो फिर 12वीं में है लेकिन उनकी एज 16 साल नहीं हो रही है, तो उन बच्चों के यहाँ दिक्कत आने वाली है। इसके लिए जो भी कुछ होगा वो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें क्या है। बाकी ये कंडीशन पहली बार ही लगी है, ये कुछ बच्चों के लिए चिंताजनक हो सकती है। अब है ये बड़ा मुद्दा है मूल निवास वाला कि बच्चा कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो अपन एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जो बेसिक है वही अपन डिस्कस करेंगे। निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही खुली है। मतलब पूरी जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान में, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन दोनों के लिए जेईटी का एग्जाम होता है। कोई बच्चा ये कहे कि मेरा जेईटी के अंदर सिलेक्शन हो गया, मिठाई खा लो, नहीं खानी है, क्योंकि पहले हमें ये देखना है कि उसका प्राइवेट कॉलेज में हुआ है या गवर्नमेंट में हुआ है, ये दोनों के लिए एग्जाम होता है। आई बात समझ में? अब कि सर इसमें राजस्थान का ही एग्जाम है तो इसमें क्या राजस्थान के बच्चे बैठेंगे? बिल्कुल, सरकारी कॉलेज की जितनी भी सीट है वहां पे राजस्थान के ही बच्चे आ सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर आउट ऑफ राजस्थान के आ सकते हैं, तो प्राइवेट में वैसे हम जाते नहीं है, इसलिए कोई दूसरे आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आई गई बात समझ में? अब देखो, अब कंडीशन पे डिस्कस करते हैं अपन। अभ्यर्थी जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो वो इलिजिबल है। ऐसा बच्चा पहला तो क्या राजस्थान के बाहर का एग्जाम दे सकता है? दे सकता है, लेकिन वो सरकारी के लिए नहीं है। दूसरा,
जो राजस्थान का मूल निवासी है जिस बच्चे के पास, वो राजस्थान का माना जाएगा, वो इस परीक्षा को दे सकता है। दूसरी कंडीशन, राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की हो, यानी राजस्थान में स्थित विद्यालय से 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो एक तरीके से राजस्थान की जो सरकारी कॉलेज है उनके लिए एलिजिबल है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। ऐसा बच्चा जिसे मान लो एमपी का है और वो हमारे रॉयल संस्थान में, मान लो रॉयल की जो स्कूल है उसके अंदर वो यहाँ 10वीं में भी था, 11वीं में भी था और 12वीं में भी था, तो वो बच्चा सरकारी कॉलेज के लिए राजस्थान में जेईटी के लिए एलिजिबल है, उसके कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट कंडीशन 3, अभ्यर्थी के जैविक माता पिता पिछले 10 वर्षों की अवधि से लगातार राजस्थान में रह रहे हैं और इस अवधि में अभ्यर्थी ने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से कम 5 साल तक पढ़ाई की हो। जैसे मान लो मम्मी पापा को तो जो है लंबा टाइम हो गया या 10 साल हो गई और ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो वो भी एलिजिबल है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केस है, जिसके जो लग रहे हैं उसको वो लगाना है। अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, चाहे उसने राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में पढ़ाई की हो। जैसे उदयपुर का कोई बच्चा गुजरात में उसने पढ़ाई की है, क्या वो जेट का फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। मूल निवासी राजस्थान का है, चाहे फिर उसने पढ़ाई कहीं की हो, लेकिन बाहर का अगर है राजस्थान के और यहाँ राजस्थान में 3 साल उसने लगातार 3 साल की हो, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं, तो वो अलाउ है। फिर आई बात समझ में? ये कुछ और कंडीशन है, ये बहुत कम बच्चों पे लगेगी, इसलिए आप इसको देख लेना।